मैं आपको ये कह रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड मास चैप्टर जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर के सेंस में, क्योंकि और मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा कि पिछले 4-5 सालों में से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2019 में प्रीलिम्स और मेंस में धड़ल्ले से उठा के 5-5, 6-6 सवाल इन्होंने डाल दिए। जब एक ही चैप्टर के 5-5, 6-6 सवाल डाल दिए, एक ही बार डाल दिया, उसका उससे पहले कभी नहीं आया, फिर एकदम से डाल दिया। ऐसे ही 2018 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, एडवांस का पोर्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना भयंकर टॉपिक है कि उससे कभी सवाल ही नहीं पूछता था एसएससी, कभी गलती से एक बार पूछ लिया तो पूछ ले, नहीं तो हाथ भी नहीं लगाता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2018 प्रीलिम्स में ऐसी बाढ़ आ गई कि जो 25 सवाल प्रीलिम्स के थे ना, तो 25 में से भाई 6-6 सवाल प्रीलिम्स में सीधे सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डालते, 6-6 सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फेंक मारे। उससे क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई, कि बच्चा उस चीज को इंपोर्टेंस दे ही नहीं रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। उसको हमेशा से ये महसूस होता था यार इससे कहां सवाल पूछे जाएंगे, पूछे नहीं जाते। सेम यही कहानी बोर्ड मास में थी, बोर्ड मास बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि बोर्ड मास से क्वेश्चन तो आते नहीं, फायदा क्या पढ़ने का, और आते भी तो हल्के मामूली से जोड़ घटा के सवाल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब ये चीजें होती हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चैप्टर अपने आप में बेहद जरूरी है। किसी भी चैप्टर में आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो आता छोड़ दें दूर हट, ये हवाबाजी किसी भी चैप्टर में नहीं चलेगी आपकी, ना आपकी ना मेरी। इसलिए इन बातों को बड़ी संजीदगी से पढ़िए, एक भी चीज को मिस मत करिए। पूरा बोर्ड मास मैंने आपको पढ़ाया है तरीके से, दो दिन की क्लास हुई कल की और आज की, मैंने पूरा बोर्ड मास पढ़ाया। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक ऐसे ही चैप्टर है डिजिटल सम, स्पेलिंग पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं गलत, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लेकिन ये अरिथमेटिक हो, मेंसुरेशन हो, कहीं भी किसी भी चैप्टर में लग जाता है। और बहुत बार ऐसे सवाल जो 2-2, 3-3 मिनट ले लेते हैं कैलकुलेशन में सोल्व करने में, डिजिटल सम के थ्रू मात्र 2-3 सेकंड में उड़ जाते हैं। हाँ ना, सारे नहीं, कुछ ही सवाल। पेपर वाला कई बार बहुत समझदार हो जाता है, बहुत जानकार हो जाता है, तो वहां पे ही फंसा लेता आपको। तो करना क्या है कि अब हम डिजिटल सम को पढ़ेंगे, तो डिजिटल सम जब हम पढ़ेंगे तो पूरा एक क्लास लेगा, डिजिटल सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई चैप्टर नहीं है, बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी बेस पे, जिसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत फास्ट क्रैक कर सकते हैं। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज अभी महाशिवरात्रि है और मैं महाशिवरात्रि पे माता वैष्णो देवी जाता हूँ, क्योंकि वहाँ एक गुफा है भोले शंकर बाबा की, तो वहाँ मैं दर्शन करने जाता हूँ। तो आज शाम की आपकी क्लास जो रहती है बच्चों की, सामान्यतः आज क्लास नहीं होगी, और कल सुबह आप वाले बैच की मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल सुबह मैं आपके बैच की क्लास नहीं ले पाऊंगा, यानी मॉर्निंग वाला जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कल छुट्टी रहेगी, परसों आपकी ये क्लास एज इट इज मैं कंटिन्यू करूंगा डिजिटल सम से, ठीक है। हाँ, लेकिन कल शाम को जिन बच्चों की शाम को क्लास होती है, शाम को उनकी क्लासें प्रॉपर होंगी कल, ठीक है। आज उनकी शाम को क्लास नहीं है, तो आज मैं जाके कल आ जाऊंगा आपसे। तो ये मुझे आपको अल्टीमेटली कहना था, आप आराम से शांति से पढ़िए, डिजिटल सम हो या कोई भी चीज हो, बहुत तरीके से सलीके से उसके नोट्स बना लीजिए और मेहनत कर लीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के कहीं शायद मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास एडवांस मैथ की मेरी वाली बुक है तो वहां मिल जाएंगे, या 7300 मैथ वाली बुक है तो उसमें भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास को डाला हुआ होता है उनमें, ठीक है एक चैप्टर, लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आते थे, एकदम से इन्होंने मेंस में प्री में फेंक दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दोबारा मिलते हैं आप सभी से और फिर एक बार फिर चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी मास्टर।